महिलाओं को हमने रोजगार देने की बात की है और इसी तरह से जो हमारी योजना थी मैनिफेस्टो में जो जो हमने बातें कही है उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है, हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है, जो जो हमने उनको कहा उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया जिसके लिए हम हाई कमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी एक बार और क्लियर कर दीजिए क्योंकि रूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं नहीं आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ नहीं ये दे आर इलेक्टेड, दे हैव वन द इलेक्शंस, कहीं नहीं जा रहे हैं, क्यों जाएंगे, कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। या एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा, दे ऑल्सो नो दिस, सो दे विल नॉट डू इट, दे विल नॉट डू इट। जो जीत कर आए वो हमारे साथ ही रहेंगे और हमारा फुल मैंडेट है एंड वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और कौन होगा सीएम? क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि वीरभद्र का ही मॉडल है और एक एक चुनौती वाली सीट आपको दी गई, आपने आपने बड़ा कैंपेनिंग अच्छा किया, आप हैं उस रेस में, आपको जनता क्या स्वीकार कर रही है सीएम के तौर पर? देखिए मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है, इस बात को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है दैट इज फॉर द हाई कमांड। थैंक यू, थैंक यू। क्या ऑब्वियसली ऑब्वियसली वीरभद्र सिंह जी भी यही करते थे, जो कहते थे उसको करके दिखाते थे, तो हमने भी उसी राह पे चलना है। आखिरी सवाल मैम, जब हम देख रहे हैं कांग्रेस सब जगह निराशाजनक थी, आपने हिमाचल में वो करिश्मा करके दिखाया, तो किस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ कांग्रेस की जीत या वीरभद्र नाम आगे चला या आपका काम? बस एक नहीं नहीं उसमें सभी कुछ सम्मिलित है। अब मेरा काम तो मींस वीरभद्र सिंह, गुजरात में कांग्रेस किस तरीके से पिछड़ी लेकिन हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन। देखिए आप ये बात मानिए कि हाई कमांड ने जो ये जिम्मेवारी मुझे दी उसको लेकर मैं आगे बढ़ी। क्यों दी ये जिम्मेवारी मुझे? क्योंकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी थी, उनका परिवार था और उन्होंने कहा इस इलेक्शन में हम उनको नजरअंदाज, उसको उनको आप बात ही पूरी नहीं होने देते। तो मैं ये कह रही थी कि उनके नाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी फैक्टर क्या चला? मोदी जी कितनी बार आए, कितनी बार आए, डिड ही मेक एनी डेंट हिमाचल में डेंट? एंड ये तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी को क्यों बार बार लाया गया, इतनी जनसभाओं में लाने की क्या आवश्यकता थी? डरे हुए थे बीजेपी के लोग कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, दे न्यू इट एंड सर दैट्स व्हाई दे। एक रिएक्शन आपसे कांग्रेस हाई कमांड लिसन टू कंटिन्यू दिस लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह एज यू क्लेमिंग। We will put a word across, then it is up to them what they say. क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम जो कहते हैं उससे मुकरते नहीं है, जो कहा है उसको करके देंगे। प्रतिभा जी एक रिएक्शन लेना रोल, हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी मौजूद है। प्रतिभा जी आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि जो ये सबसे बड़ी जो आपकी कांग्रेस की जीत हुई है, इतनी सीटें आई हैं, इसकी इसके पीछे आप वजह जो है वो क्या मानते हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता ने इतनी वोट, इतना प्यार आप लोगों को दिया है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में जो देखने को मिला, जो लोगों के दिल में एक बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रति, क्योंकि उन्होंने सरकार में रहते हुए ना लोगों की महंगाई कम करने की बात की, ना रोजगार देने की बात की और ना ही किसान बागवानों की जो आवाज थी उसको सुना, ये एक कारण था। दूसरा कारण
दूसरा कारण हमने ओपीएस की बात की, हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए जिन लोगों ने अपना जीवन का अधिकतर समय सरकारी इसमें काम करते हुए बिताया, तो जब वो रिटायर हो जाते उनको हम पेंशन तक नहीं दे रहे, ये एक उनकी बहुत जायज मांग थी। और हमने कहा हम आएंगे तो आपको ओपीएस भी लागू करके देंगे। विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है, राजीव शुक्ला जी का भी ये बयान आया कि विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है, क्या कोई अभी भी इस तरीके की बात है कि खतरा हो सकता है? ओहो यार, आप समझते नहीं है, कोई खतरे के लिए थोड़ा नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। हमने जितने जीत कर आए उन्होंने भी कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी है, उनका व्यू भी लेना है, उनकी राय भी लेनी है कि क्या होना चाहिए, उसके लिए भी सिर्फ आप आज जा रही हैं, आप भी लेटेस्ट नो ना आज क्यों जा रही है? आज तो वो सारे जिन जीत के आए वो अपने अपने क्षेत्र में जश्न मना रहे होंगे, उनके वर्कर्स जश्न मना रहे होंगे, जब वो उससे फारिग हो जाएंगे तब हम सोचेंगे कि हमने कहाँ इकट्ठे होना है, कहाँ बातचीत करनी है, कहाँ अपनी बात को हमने हाईकमान। एक आखिरी सवाल, आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी क्योंकि यहाँ की जनता ये कह रही है कि जो होली ये लॉज है यहीं से वो सीएम पद देखना चाहते हैं का चेहरा, आप इस पर क्या, आपने जो समर्थक है उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जो समर्थक है उनकी भावना है, इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकमांड भी इस बात को जानती है और हमारे विधायक लोग भी इस बात को जानते हैं। इट इज फॉर अप टू देम कि क्या लोगों की भावनाओं का कदर किया जाएगा या नहीं, दैट इज फॉर द राहुल गांधी। सोनिया गांधी से कोई बातचीत हुई इस मैंडेट के बाद? बिल्कुल हुई, बिल्कुल। आई हैड गॉन इन द भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर भी मैंने राहुल जी को बोला कि राहुल जी वी आर विनिंग हिमाचल प्रदेश, सो ही सेज कांग्रेचुलेशंस, आई विल आल्सो कम टू सेलिब्रेट। एंड देन सेकेंडली प्रियंका जी वाज हियर, शी स्पेंट सच अ लॉट ऑफ टाइम इन हिमाचल प्रदेश एंड शी कंडक्टेड सो मेनी मीटिंग्स जिसका हमारे को कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और गांधी परिवार ने सदा हिमाचल प्रदेश के उत्थान और विकास के लिए जो काम किया है वो लोग जानते हैं और भली भांति उस बात को याद करते हुए वो सदा उस परिवार का आदर और सम्मान। आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव पर कुछ कहना चाहेंगे? Well, that was, of course, Pratibha Singh, the state president of the Congress, Himachal Pradesh, talking about, everything that went right for them. In fact, she went on to thank the voters. She also said that they won the elections. But talking about the poaching rumors that were also going on, she went on to state that their MLAs will not be going anywhere and they will keep their flock together. But she also went on to state that they have the complete mandate and the high command will be deciding on the chief minister phase. She also went on to point out that the high command trusted her and they, of course, stand by their words, and they also assured Rahul Gandhi that they will be winning these elections.